करना है, बस आपका काम हो जाएगा और हमेशा के लिए वह आपके प्यार में दीवानी हो जाएगी, आपके बिना नहीं रह पाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी है या समस्या है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें और गुरुजी से बात करके अपने जीवन की सभी परेशानियों को दूर करें, अपनी मनोकामनाओं को पूरा कीजिए और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सबकी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो बिल्कुल भी देर ना करें और स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल कीजिए, गुरुजी से बात करके अपनी सभी परेशानियों का निदान पाइए और वो भी तुरंत ही। तो आप मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, क्या आपके घर में भी आर्थिक तंगी चल रही है? यूं तो आजकल पैसे से हर कोई व्यक्ति परेशान है, पर कई बार आर्थिक तंगी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इंसान पैसे पैसे के लिए मोहताज हो जाता है, क्योंकि आजकल जीवन यापन करने के लिए पैसा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल जिसकी जेब में पैसा है उसी की कदर होती है, अन्यथा इंसान की कोई वैल्यू नहीं होती। आज के ज़माने में वैल्यू और महत्व सिर्फ और सिर्फ पैसे को दिया जाता है। ऐसे में हम हमेशा चाहते हैं कि हमारी जेब में पैसा रहे, हम हमेशा धन धान्य से भरपूर रहें। लेकिन कई बार हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसा वक्त आ जाता है कि हमें पैसों के लिए परेशान होना पड़ता है। तो दोस्तों, ऐसे में हमें कुछ ऐसे उपायों को अपनाना चाहिए जिसे अपना कर हम अपनी आर्थिक तंगी को ठीक कर सकें। जी हाँ, कुछ ऐसे उपाय ऐसे होते हैं जिन्हें अगर हम सही तरीके से अपनाते हैं तो हम अपनी आर्थिक तंगी को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। बस हमें ज़रूरत होती है उस उपाय को सही तरीके से अपनाने की, मंत्र का सही तरीके से उच्चारण करने की, विधि को सही तरीके से करने की। अगर ये सभी चीज़ें हम सही तरीके से करते हैं तो हमें कभी भी किसी भी कार्य को करने की आवश्यकता नहीं होती, हम हमेशा धन धान्य से भरपूर रहेंगे। और आज का जो टोटका मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो भी कुछ ऐसा ही टोटका है। अगर आपने ये टोटका सही तरीके से कर दिया तो आपको जीवन में कुछ और करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सारी उम्र सारी जिंदगी आपको पैसे की कमी नहीं आएगी, कभी भी आप किसी चीज़ से परेशान नहीं होंगे, कोई भी चीज़ आपके जीवन में बाधा नहीं बन पाएगी, आपका जीवन खुशहाली से भर जाएगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप विधि को सही प्रकार से करें और सही तरीके से करें। आइए मैं आपको बताती हूँ जो विधि आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो आपको कैसे करनी है और क्या सामग्री आप